इस बार के विधानसभा चुनाव ने किसी को अर्श से फर्श पर लाकर गिरा दिया तो किसी को फर्श से अर्श की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कुछ ऐसा ही मामला पश्चिम सिंहभूम में देखने को मिला, जहां एक साधारण सा मैट्रिक फेल बस एजेंट विधायक बना और विधायक बनकर सभी को चौंका दिया। मुख्यमंत्री मधुकोड़ा के गढ़ जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जगन्नाथपुर रिटर्निंग ऑफिसर से विधानसभा चुनाव जीत का प्रमाण पत्र ले रहे सोनाराम सिंह को कल तक लोगों के लिए एक आम आदमी से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन अब खास है। कोड़ा दंपति ने सोनाराम सिंह को जगन्नाथपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट थमाया और जनता ने अपना जनादेश सोनाराम के पक्ष में सुनाया। गठबंधन यहाँ के झारखंडियों के अधिकार की रक्षा कर सकता है, झारखंडियों के रोजगार दे सकता है, झारखंडियों के लिए नीति बना सकता है, ये साबित हो गया इस बार के चुनाव में। जादू नहीं बल्कि महागठबंधन के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था और लगातार जो क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया उसके प्रति जनता ने फिर एक बार आस्था जताई है और ये जीत महागठबंधन की जीत है। सोनाराम सिंह ने अपने सामने सभी प्रत्याशियों को धूल चटा दी। जेवीएम प्रत्याशी पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा, बीजेपी के प्रत्याशी सुधीर सुंडी, कोई भी प्रत्याशी नहीं टिक पाया। सोनाराम सिंह ने अपनी जीत का श्रेय सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिया। भी हम जनता का और सेवा करते थे, जैसे पैसेंजर के रूप में वो लोग आते थे तो हम उन लोगों को जानकारी देते थे कि आप लोग को कहाँ जाना है, या जगन्नाथपुर नवा मुंडी यदि बस छूट जाती है तो उन लोग के लिए हम साधन करा देते थे। साधारण सा व्यक्ति को आज हम लोगों ने विधानसभा भेज दिया है। ये जीत सोना सिंह जी की नहीं है, ये जीत युवाओं की है, किसान की है, मजदूरों की है, साधारण व्यक्ति की है। यही तो हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। कब कौन अर्श से फर्श तक गिर जाए या फिर फर्श से अर्श तक की ऊंचाई छू जाए, कोई नहीं बता सकता। यही जनता की ताकत है और यही जनता की जीत। न्यूज 11 भारत के लिए अपने सहयोगी अनिल और कर्मवीर के साथ चाईबासा से जयकुमार की रिपोर्ट।